अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, अगर तुम मुझे पसंद नहीं करती तो ये बात मेरी आंखों में आंखें डालकर कहो। मैं तुमसे वादा करता हूं, आज के बाद ये बात कभी मेरी जुबान पे नहीं आएगी। नहीं, ऐसी कोई भी फीलिंग्स नहीं है हमारे अंदर। ऐसे नहीं, मेरी आंखों में आंखें डालकर कहो, क्या तुम मुझे सच में पसंद नहीं करती? या वो ख्याल जो मेरे दिल में तब से है जब से मैंने तुम्हें देखा है, वो आज तक तुमने मेरे लिए फील नहीं की। नहीं, झूठ। तुम ऐसे सच नहीं बोलोगी ना? नमन जी, क्या कर रहे हो आप? सच बोलो। मुझे बिना देखे पीछे चल रहे हो, लग जाएगी। इसका मतलब यह है ना कि तुम्हें मेरी फिक्र, मुझे सिर्फ सच सुनना है। जवाब दो। सच बोलो। नमन जी, क्या बचपना है, प्लीज रुक जाइए, लग जाएगी आपको। नमन जी, नमन जी प्लीज रुक जाइए। नमन जी, नमन जी, आप ठीक हो? आपको चोट चोट तो नहीं लगी? नमन जी, दिखाइए। नमन जी, आपको कितनी गहरी चोट लग गई? हमने मना किया था ना, हमने कहा था ना रुक जाइए, दिखाइए। आपको जवाब चाहिए ना? हम देते हैं आपको जवाब। अमन जी, आपकी शादी पंकजा से तय हुई है। पंकजा की बहन के अलावा हम आपके और कुछ नहीं लग सकते। ये सब जो रिश्ते नाते होते हैं ना, तो कान्हा जी ने बनाया, उन सबकी एक मर्यादा होती है। इसलिए आप हमारे बारे में ऐसा कुछ मत सोचिए, बस यही कहना चाहते हैं। समझ गया। समझ गया कि तुम झूठ बोल रहे हो। सच्ची तो तुम्हारी ये फिक्र है, अपनी चोट की तरफ तुम्हारा ध्यान भी नहीं है और मेरी चोट पर मरहम लगा रही हो। मुझे जवाब मिल गया सुनन, अगर मेरी शादी पंकजा के साथ फिक्स नहीं होती तो तुम मुझे हाँ कहती ही कहती। सही कहते हैं लोग, प्यार आपके फैसलों से नहीं, आपकी फिक्र से भी दिख जाता है। हो गया, चल। अच्छी, क्यों क्या? अब
अब स्ट्रेंथ दिखाने की जरूरत नहीं, ये लो पहन लो। ये लो वो रही बाइक, लेट्स गो। जी, आपने नमन जी की किस्मत में पंकजा को लिखा है, प्लीज उनके दिल से भी हमें निकालकर पंकजा को बसा दीजिए। मेरी किस्मत में भगवान ने जो भी लिखा, पर इस दिल में सिर्फ तुम हो सुनैना, जिसे अब कोई नहीं निकाल सकता। बार फिर बच गई हो, फिर बच गई। कौन अमृत तो नहीं चखी है ना? तुम लोग अपना गलती स्वीकारो, गलती स्वीकारो। तुम इतना बड़ा बड़ा ढींगे आंक रहे थे कि ये कर देंगे वो कर देंगे पहाड़ उखाड़ देंगे, कुछ नहीं कर पाए। सोच तुम लोगों पे विश्वास करके हम बहुत ज्यादा पत्नी है, हम पे शक कर रही है, उसका दुश्मन बन गए हम। अब तुम बस एक काम करोगे, जो हम कह रहे हैं उसको ध्यान से सुनो। वो काम ये है कि तुम कुछ नहीं करोगे, इस शादी का मामला निपटने तक तुम लोग शांत रहोगे। हमको और कोनो बवाल नहीं चाहिए। ओ, बहुत बोल रहा है बाबू साहेब, क्या जवाब दे मैडम जी उसको? बाऊ जी, बत्सला जी और ध्रुव भैया का ब्याह अगर पूरा रीति रिवाज से हो जाए तो ज्यादा सही रहेगा। बिटिया रानी, हम इस लड़की की शादी अपना बिटवा ध्रुव के साथ कभी होने नहीं दूंगा। ये एपिसोड देखिए YouTube पर रात 11 बजे। सुनैना के सर से अभी तक खतरा टला नहीं है। उस लड़की के सर से खतरा टलना नहीं चाहिए, उस बाबू साहब के लिए सिर्फ एक मामला होगा, लेकिन हमारे लिए एक नया मकसद है, जुनून है हमारा। चाहे जो हो जाए, हमें वो लड़की चाहिए। आपका जुनून अब हमारा मिशन होगा। और नहीं तो क्या? ऐसे कैसे ऐरा गहरा समझ लिए बाबू साहब हमको? अब तक हल्के में हाथ रख रहे थे, अब असली रूप दिखाएंगे इनको। बाबू साहेब,
से बात कर रहे थे फोन पर, अब कौन सा नया प्लान बना रहे हैं? हम कुछ भी बोलेंगे तुम नहीं ना मानोगी बाबू साहब। सुनेना पर नाम कर रही है, अरे जंगल में रह के बोर आ गई है का? मैं संस्कारी एक्टिंग का ढोंग कर रही है मम्मी। बस 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 बस। थैंक गॉड दी आप घर आ गए। आपको पता है हम सब कितने परेशान हो गए थे। आप ठीक तो हो ना? हाँ हाँ शिव्या मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मिनट, ये तो मेरे नमन जी की जैकेट है। ये सुनैना क्यों पहन रही? इतना बिचरा शांत हो जाओ, पहले मामला समझ लेते हैं, उसके बाद अपना सवाल जवाब कर लेना ही बगलों से, समझी? हाँ तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी ना? दिखा। नहीं माँ, नहीं नहीं नहीं, हम बिल्कुल ठीक है। नमस्ते अंकल। नमस्ते नमस्ते। ऐसे कान्हा जी ने आज तक आपकी सुनैना की रक्षा की है ना, वैसे ही जंगल में हमारे साथ नमन जी थे, उन्होंने हर कदम पर हमारी रक्षा की, आपकी सुनैना कोई खरोच तक नहीं आने दी। आज अगर हम घर सेफली आ पाए हैं ना, सिर्फ नमन जी की वजह से। ये बात तो सही है पंकजा, हमारे दामाद जी सुनैना को सेफ तो रखे हैं। जरा सोच पंकजा, पूरा जिंदगी दामाद जी तुमको कितना सेफ रखेंगे। खुश हो जा पगली, अरे तुम्हारा साथी ना सुपरमैन से हो रहा है। नमन, सुनैना की जान बचाकर तुम हमारी जान बचाए, कर्ज रहेगा ये तुम्हारा हम पर, मरते दम तक नहीं भूलेंगे तुम्हारा। आंटी जी प्लीज, आप प्लीज ऐसा मत बोलिए। देखिए सुनैना मेरे साथ थी तो मेरी जिम्मेदारी थी। अच्छा अंकल जी, वो पुलिस से बात हुई आपकी, उन्होंने कुछ बताया कि वो किडनैपर्स कौन थे और सुनैना के पीछे क्यों पड़े थे? नमन सिंह प्लानिंग फेल कर दिया हमारा, सोचना पड़ेगा इनको कैसे दूर रखा जाए ये मैटर से।
आप हमारे बेटे के लिए पहले ही बहुत कुछ कर चुके हैं बेटा। किडनैपर्स का चिंता हमारे पर छोड़ दीजिए। जैसे ही उन्हें खबर लगेगी आपको बता दिया जाएगा। टेंशन ना लीजिए। हाँ मनु, तुम टेंशन मत लो। तुमने ऑलरेडी हमारी वजह से हमारी बहन के लिए काफी कुछ कर दिया है ना। अब तुम अंदर चलो, हम तुम्हारे लिए चाय नाश्ता लाते हैं और तुम हमें डिटेल में बताना वहां पे क्या क्या हुआ है ना। और सुने ना, ये तो नमन की जैकेट है ना, तुमने क्यों पहनी है हमारी फियांसी की जैकेट? दे दो। पंकज, वो जंगल में ना अचानक से वो पेड़, हमें कारण वारण नहीं जानना, तुम बस उतार दो अभी। वैसे भी किसी और की चीज पे नजर या हाथ डालने की आदत अच्छी नहीं होती। पंकजा, तुम चिंता मत करो, फटाफट ऊपर जाकर ना चेंज करके नमन जी को जैकेट दे देंगे। क्यों, अभी क्यों नहीं? हम उतार देते हैं। पंकजा छोड़ो, पंकजा प्लीज। जितनी पूजा पाठ हवन करना है ना, कर लो तुम लोग। रजत, अगर तुम मेरे नहीं हुए ना, तो मैं तुम्हें किसी और कभी नहीं होने दूंगी। अब कोई नहीं बचेगा। रजत जी, ये एपिसोड देखिए यूट्यूब पर शाम 7:30 बजे। मतलब हम जैकेट बाद में ले लेंगे, और वैसे भी ये जैकेट मैंने ही दी थी सुनैना को, वो उसको ठंड लग रही थी, तो जैकेट फिर कभी आराम से ले लेंगे। रात भर नैन मटके से मन नहीं भरा दोनों का, अभी भी चालू ही है। अच्छा मैं चलता हूँ, नमस्ते। अच्छा नमन जी, हमें आपसे कुछ बात करनी है। पंकज, बाद में बात करते हैं। बस 2 मिनट। आइए ना, चल अंदर चल। अच्छा नमन, हमको ये नहीं समझ आ रहा कि जब कल रात खतरा टली गया था तो आप लौट क्यों नहीं आए? गेस्ट हाउस में रुकने की क्या जरूरत थी? पंकजा, खतरा टला था, खत्म नहीं हुआ था, अंधेरा था, आधी रात थी। हो सकता है कि वो लोग कहीं पे छुपे हों, और हम लोग भी इतना दौड़ भागने के बाद थक गए थे, ना ही फोन में नेटवर्क था। तुम्हें पता भी है, कोई आइडिया है कि हमने कैसी कैसी मुश्किलों का सामना किया? एनीवे, तो मुझे बताओ कि तुम्हारे इन सवालों का मतलब क्या है? मनु, देखो बुरा मत मानना, हम शक नहीं कर रहे, लेकिन हमें अच्छा नहीं लगा हमारा फियांसे सारी रात किसी और लड़की के साथ, और आप समझ रहे हो ना, वो लड़की तुम्हारी बहन है। हाँ वो हमारी बहन है, पर है तो लड़की ही ना। अगर हमारे मन में सवाल है तो उसमें गलत ही क्या है, तुम ही बताओ। इतने सवालों में तुमने एक बार ये भी नहीं पूछा कि मैं ठीक हूं या नहीं। समझ आपको कितनी गहरी चोट लग गई है। काश तुम्हारे साथ रिश्ता मेरी माँ की मर्जी ना होती। नमन बोलो ना। पंकजा प्लीज, तुम ज्यादा सोचो मत। ओके हम चलते हैं, वो घर पे सब हमारा वेट कर रहे होंगे। बाय। एक अच्छा पराठा खा लो। नहीं, एक पराठा तो खाना ही है। खाओ, देखो ना कैसे सूख के काटा हो गया बेचारा। ये ओवर हो रहा है माँ,
एक ही दिन के भूखे भैया, एक साल के नहीं। अरे बच्चे को एक पल के लिए भी खाना ना मिले ना तो माँ का कलेजा तो चलता ही है ना। हाँ जैसे तुम और मान्यता हो ना मेरे लिए, तैसे ही हमारे लिए हमारा नमन है ना जीजी? खा लीजिए नमन भैया, मम्मी ना मानने वाली है आज। हाँ। हाँ। मिर्ची वाला चोखा ही सच बाहर लाए। कली जी आप बाएं हाथ से क्यों खा रही हैं? आप तो दाएं हाथ से खाती हैं ना। वो हमरे दाएं हाथ में ना चोट का निशान। ये एपिसोड देखिए YouTube पर रात 8 बजे। अरे नमन, अरे किधर, अरे क्या बात कर दी यार, पूरे मुंगेर में गर्दा उड़ा दी, ताक लगा दी। अरे मुंगेर का सुपरस्टार, अरे झंडा गाड़ दिया है तुम, क्या किया झंडा गाड़ा वो भी जंगल में। अरे कैसे इतना बड़का बड़का गुंडा लोग को हरा के लड़की को बचा के लेके आए तुम? अरे बताओ सबको अपना एडवेंचर, बताओ पूरी फैमिली को कि कैसा एडवेंचर था, क्या किए, कैसे किए, कैसे उन लड़की को बचाए यार। दोस्त हो, शर्म नहीं आती? उका कहते हैं अंग्रेजी में, उका BFF है ऊ हो। कल तुमको बउआ के साथ होना चाहिए था और अब आ रहे हो लबराने जब क्लाइमेक्स खत्म हो गया है। हा? अरे अरे ये हमको ले नहीं गया था, हम तो जा रहे थे, हम जैसे वहां पहुंचे तब तक ये भनभना के चला गया वहां से। बउआ तुम्हारा खाना हो गया हो तो हमको बताओ, कैसे कि अब मार खाने का समय हो गया। क्या जरूरत थी अपनी जान पे खेल कर उस लड़की की जान बचाने की? हैं? तुम्हें कुछ हो जाता तो हमारे बारे में एक बार सोचा तुम? सोचे और नहीं तो क्या जीजी? अरे बाबू साहेब बता रहे थे कि वो गुंडा लोग ना वो 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 गैंगस्टर का नाम गैंगस्टर माँ गैंगस्टर गैंगस्टर का गैंगस्टर। हाँ हाँ वही तो गैंग जो भी बचकन यादव नाम था उसका, बाबू साहेब का पैसा हटने के लिए उनकी बेटी को किडनैप कर लिए थे वो। ये किडनैपिंग में जरूर बाबू साहेब का हाथ है, पता लगाना होगा।